हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज चलिए गाजर का हलवा बनाते हैं, जो कि एकदम बिहारी स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम धो करके इस तरह से छील लेंगे। अब इसको घसेंगे, तो चलिए इसको हम घस लेते हैं। तो इस तरह से ले लेंगे और इसको हम अच्छे से घस लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें घस लेना है। इसको अभी हम घसेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको घस लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको घस करके रेडी कर लिया है। तो अब चलिए एक कुकर लेते हैं। तो कुकर में इसको हम डालेंगे। तो चलिए अभी इसमें हम आधा किलो के करीब में दूध डालेंगे और इसको हम 5 से 6 सीटी आने तक कुकर पे अच्छे से उबालेंगे। तो चलिए इसका अब हम ढक्कन बंद कर दे रहे हैं। कुकर को चढ़ा देते हैं। 5 से 6 सीटी आने तक इसको हम इस पे अच्छे से पकाएंगे। लग चुका है, तब इसको हम बंद कर देते हैं। तो देखिए कुकर ठंडा हो चुका है। तो देखिए ये गल चुका है बहुत ही अच्छे से। तब हम कढ़ाई गरम करते हैं। तो गैस को ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई चढ़ा देते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे देसी घी। घी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम। चलिए घी गर्म हो चुका है, तो इसमें डाल देते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिलाते हुए इसको हम अच्छे से सुखाएंगे, क्योंकि ये अच्छे से पक चुका है। देखिए तो अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। तो ये अभी और पकेगा। इसको हम अच्छे से सुखा लेंगे। देखिए इस तरह हम चलाते हुए इसको सुखाएंगे। गाजर का हलवा सर्दियों में खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब भी सर्दी का मौसम हो तो आप लोग इसे बना करके खा सकते हैं। वैसे तो गाजर हर हर महीने में मिलता है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी गाजर का हलवा बन जाएगा। तो आप इसको घस के या इस तरह से काट के कुकर में उबाल के और इसको सुखा करके भी बना सकते हैं। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा आसान लगता है काट करके इसको उबाल करके कुकर में, तब बनाने में बहुत ही आसानी लगता है। तो आप लोग कैसे बनाते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो अब इसमें ऐड करेंगे 500 ग्राम के करीब में चीनी। इसको हम अच्छे से सुखाएंगे। तो देखिए इसको अभी हम 10 मिनट के लिए और सुखाएंगे, तब जाके ये गाजर का हलवा तैयार होगा।
चलिए गाजर का हलवा बनके रेडी हो चुका है। इसको हम बंद कर देते हैं गैस को। तो गाजर का हलवा का रेसिपी कैसा लगा? तो अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।